Hello students, you are most welcome in online classes. Today we will study the fourth chapter of Sir Sir Albert Einstein at a School, written by Patrick Pinger. Albert Einstein, 1879 to 1955. Albert Einstein का जो कार्यकाल रहा है वो 1879 से 1955 तक रहा है. Is regarded as the greatest physicist since Newton. Newton के बाद Albert Einstein को एक महान भौतिक शास्त्री के रूप में माना जाता है. In the following extract from the young Einstein. ये जो सार लिया गया है वो एक यंग आइंस्टीन आर्टिकल से लिया गया है, द वेल नोन बायोग्राफर, जो एक जाने माने बायोग्राफर जीवनी लेखक हैं पैट्रिक पिंगर ने उनके बारे में वर्णन किया है. डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू द अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सपल्सर फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, और उन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया है जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? इतिहास के अध्यापक ने आइंस्टीन से पूछा कि कौन से साल में पर्सिया वालों ने वाटरल्यू के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था. I don't know, sir. आइंस्टीन ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता सर. Why don't you know? You have been told it often enough. आप क्यों नहीं जानते? तुम्हें तो ये कई बार बताया गया है. I must have forgotten, sir. मैं भूल गया हूँ. Did you ever try to learn? क्या आपने किसी चीज को कभी याद करने का प्रयास किया? Asked Brown. Mr. Brown, history teacher ने कहा, No sir, मैंने कभी नहीं किया. Albert replied with his usual unthinking honesty. Albert ने यूं ही बड़ी ईमानदारी से साधारण तरीके से जवाब दे दिया, Why not? क्यों नहीं सर? I can't see any point in learning dates. मुझे तिथियों को याद करने में कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं देता है. One can always look them up in a book. हर जब चाहे कोई भी इन्हें पुस्तक से देख सकता है. Mr. Brown was speechless. Yes, sunkar, Mr. Brown कुछ समय के लिए चुप हो गए. You amaze me, Einstein. He said that at last. और अंत में उन्होंने कहा, Einstein, आपने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया. Don't you realize that one can always look most up things in books? आपको पता नहीं है कि mostly कोई भी चीजें हम book की help से ही देखते हैं. हम किसी भी चीज को book की help से ही देख सकते हैं. That applies to all the facts you learn at school. और वो सभी तथ्य लागू होते हैं जिन्हें हम स्कूल में सीखते हैं. Yes, sir. Okay, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts. तब तो मुझे समझना चाहिए कि तथ्यों को याद करने में कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता है. Frankly, sir. बिल्कुल ठीक सर. I don't say. Albert ने कहा, हाँ सर, मुझे कोई नजर नहीं आता है. Then you don't believe in education at all. तब तो फिर आप शिक्षा में भी विश्वास नहीं करते हो. Oh yes sir, मैं नहीं करता. I don't think learning fact is education. मैं आपसे बता नहीं सकता कि फैक्टों को याद करना ही शिक्षा है क्या. In that case, said the history teacher with heavy scorn. उस केस में हिस्ट्री टीचर ने बहुत ही भारी आवाज के साथ कहा, Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. फिर उसने कहा कि आपकी बहुत ही कृपा होगी अगर आप अपनी क्लास को आइंस्टीन की थ्योरी के बारे में बताएं. अल्बर्ट लाल हो गया. आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज. मेरे विचार में तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का महत्व होता है. He said, उसने कहा, I don't see the point in learning the dates of battles. मुझे युद्ध की तिथियां जानने और even which of armies killed more men और कौन सी सेनाओं ने अधिक व्यक्ति मारे इस विषय में जानने में कोई भी रुचि नहीं है. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. मुझे जानने में ज्यादा रुचि है कि वो सिपाही एक दूसरे को क्यों मार रहे थे. That is enough. बहुत हो गया आइंस्टीन. मिस्टर ब्राउन आई वर कोल्ड एंड क्वेल. मिस्टर ब्राउन बहुत ही गुस्से में हो गए थे. उनकी आंखें लाल हो गई थी. वी डोंट वांट लेक्चर फ्रॉम आइंस्टीन. मैंने आपको यहाँ लेक्चर सुनने के लिए नहीं बुलाया है. आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे. आज आपको आइंस्टीन एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा. ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड. यद्यपि मैं जानता हूँ इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. It won't do the school any good. और नहीं स्कूल को कोई फायदा होने वाला है. इधर यू आर ए डिस्ग्रेस, क्योंकि तुम एक कलंक हो. आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम. मैं नहीं जानता कि आप स्कूल क्यों आते हो.
इट इज नॉट माय विसर, यह मेरी इच्छा नहीं है सर, मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आता, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट ने संकेत देकर कहा। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तो एक अनकृतज्ञ बच्चे हो, एंड आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं सलाह देता हूं कि अपने पिताजी से कहो आपको स्कूल से ले जाएं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब उसने उस दोपहर स्कूल को छोड़ा था। नॉट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि यह दिन बुरा रहा था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, और आने वाले, क्योंकि आने वाले सभी दिन बुरे होने वाले थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अगली सुबह फिर उसे इसी जगह आना था जिससे वो घृणा करता था। हिज ओनली विश हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसकी सिर्फ यही इच्छा थी कि उसके पिताजी उसे ले जाएं। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन यह अपने पिताजी से पूछने में उसे कोई पॉइंट दिखाई नहीं देता था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, मैं जानता था अगर मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि मुझे स्कूल से ले जाएं तो उनका क्या जवाब होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो यही कहेंगे कि आपको स्कूल में रुकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स, अपने स्थान पर जाने के बाद जहाँ वो रहा करता था, डिड नॉट चीयर हिम अप, वो खुश नहीं था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, उसके पिताजी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। डेट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ मुनिच, जिसके कारण अल्बर्ट को मुनिच में एक गरीब बस्ती में एक कमरा लेना पड़ा था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, वहां का जो बुरा भोजन था उसके बारे में उसे बुरा नहीं लगा था। लैक ऑफ कम्फर्ट, जो आराम से दूर की उसकी जिंदगी थी उससे भी वो बुरा नहीं मानता था। इवन द डर्ट एंड स्क्वायर, और वहां की गंदगी और वहां के बुरे वातावरण के कारण। बट ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वहां का जो बहुत ही गंदा वातावरण था उससे वो घृणा करता था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, क्योंकि वहां की जहां वो रहा करता था उसकी लैंडलेडी अपने बच्चों को रोजाना पीटा करती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और प्रत्येक शनिवार को उसका पति शराब पी के आता था और उसे पीटता था। बट एट लास्ट, At least you have a room of your own, which is more than I can say. लेकिन कम से कम आपका अपना कमरा तो है, said Yuri. Yuri ने कहा, when he called round in the evening, जब Yuri शाम को घूमने आया था. At least you live among civilized human beings. तो अल्बर्ट ने कहा, कम से कम आप सब लोगों के बीच तो रहते हो, even if they are all poor students, जब भी वे सभी गरीब विद्यार्थी हैं, said Albert. अल्बर्ट ने कहा, they are not all civilized. वे सभी सब नहीं है, वे सभी सब नहीं है, यूरी रिप्लाइड। डिड यू नॉट हियर डेट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ड्यू, क्या आपने सुना नहीं पिछले हफ्ते एक दुंजुद में मारा गया था। एंड व्हाट हैपेंस टू वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा था। नथिंग ऑफ कोर्स, उसे कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे इससे तो अपने आप पर गर्व मानता है। हिज ओनली वरी इज दैट अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर, सिर्फ उसे इस बात का दुख है कि अथॉरिटीज ने उसे कभी भी आगे जीवन में युद्ध, ड्यूअल युद्ध करने के लिए मना कर दिया है। ही इज अपसेट, वो बहुत दुखी है अबाउट दिस, बिकॉज ही हैज नॉट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस, इसलिए कि उसके चेहरे पर कोई भी घाव का एक सिंगल निशान नहीं है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए, एज ए बेस ऑफ ऑनर, इस सम्मान के रूप में जिसे वो दिखा सके। ओह, एक्सप्लेन अल्बर्ट, अल्बर्ट ने बड़ी हैरानी से कहा, ऑल दीज आर स्टूडेंट, और यही विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे, कि तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे, सेड यूरी, यूरी ने कहा। आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लमली, मुझे संदेह है, अल्बर्ट ने बड़ी उदासी से कहा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल का डिप्लोमा कभी प्राप्त कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा, उसने अपनी कजिन एल्सा से कहा। द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू मुनिस, जो मुनिस से आई थी। नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, एल्ला
एल्सा सामंत बर्लिन में रहती थी, वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ उसके पिताजी का एक बिजनेस था। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा पास करने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हो, अल्बर्ट इफ यू ट्राइड, अगर आइंस्टीन आप कोशिश करो, सी सैड, उसने कहा। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मैं ऐसे बहुत से लड़के को जानती हूँ जो तुमसे अधिक बुद्धू हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, हु गेट थ्रू, और जो पास हो जाते हैं, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, और तुम्हें कुछ समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड वॉट यू आर टॉट जस्ट एबल टू रिपीट इन द एग्जाम, और जो तुम्हें सिखाया जाता है, पढ़ाया गया, सिर्फ उसे इसे दोहराओ, रिपीट करो, डेट इज द ओल्ड रूल, यही तो परेशानी है, सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। आई एम नो गुड एट द लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं चीजों को मुंह जुबानी याद करने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं देता है, यू डोंट नीड टू बी ए गुड एट इट, तुम्हें इनमें अच्छा होने की जरूरत नहीं है, एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट, और इन्हें तो कोई भी तोते की तरह याद कर सकता है, यू जस्ट डोंट ट्राई, सिर्फ आप कोशिश नहीं करते हो, एंड येट फिर भी आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, सिर्फ मैं आपको मैं एक बुक के साथ हमेशा देखती हूँ जिसे आप अपने आर्म के नीचे लगा के रखते हो, एडेड एल्सा, एल्सा ने आगे कहा। वट इज द वन यू आर रीडिंग, वह कौन सी बुक है जो आप पढ़ रहे हो, ए बुक ऑन जियोलॉजी, एक भूगर्भ शास्त्र की पुस्तक, जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टानों और वस्तुओं की पुस्तक, डू यू लर्न डेट, क्या तुम उन्हें पढ़ते हो, नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, आपको पता है कि हमारे स्कूल में साइंस विषय नहीं पढ़ाया जाता है, then why are you studying it, तब आप इसे क्यों पढ़ रहे हो, because I like it, क्योंकि मुझे यह अच्छी लगती है, isn't it that a good enough reason, क्या यह कारण आप अच्छा नहीं है आपके लिए, एल्सा साइड, एल्सा ने आह भरी, यू आर राइट ऑफ कोर्स, निसंदेह तुम ठीक कहते हो, अल्बर्ट साइड, अल्बर्ट ने कहा, सी साइड, उसने कहा, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन यह तुम्हारे डिप्लोमा में सहायता नहीं करेगी, अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस इज ओनली कम्फर्ट बाय म्यूजिक, साइंस की पुस्तकें पढ़ने के अलावा उसका एक और भी शौक था जो उसे आराम दिलाता था, वो था म्यूजिक, उसे म्यूजिक बहुत पसंद था, एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और अपना वायलिन वो रोजाना बजाता था, अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक उसकी लैंडलेडी उसे बंद करने के लिए नहीं कहती थी, दैट वेलिंग गेट्स ऑन माय नर्व्स, इसकी तीखी आवाज मेरी नसों को खींच लेती है, सी सैड, उसने कहा, देयर इज एनफ नॉइज इन द हाउस, लैंडलेडी उससे कहती थी हमसे बजाना बंद करो, इसकी तीखी आवाज मेरी नसों को खींच देती है, देयर इज एनफ नॉइज इन द हाउस, पहले से ही घर में बहुत सारा शोर है, विद ऑल द किड्स कॉलिंग, सभी बच्चों के चिल्लाने से, अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम, अल्बर्ट यह बताने के लिए ललित हो गया था कि इट वॉज सी हु मेड देम हाउस, स्वयं चीखने के लिए बात करती हूं, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने निर्णय किया कि मैं से कुछ ना बोलूं, बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मैं यहां से अवश्य ही चला जाऊंगा, ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा। आफ्टर सिक्स मंथ एलोन इन मंच, जब वह छह महीने अकेले म्यूनिक में रह चुका था, इट इज ऑब्जर्व, यह तो बहुत ही भद्दी बात है, ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा, आफ्टर सिक्स मंथ इट इज ऑब्जर्व दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यदि इस प्रकार स्कूल चलता रहा, इन द एंड इट विल टर्न आउट, और यही रिजल्ट निकलेगा, आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, अंत में यही लिख लेगा कि मैंने अपने पिताजी का पैसा खराब किया, इट विल बी बेटर फॉर ऑल स्टॉप नाउ, इससे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मैं अब ये सब कुछ बंद कर दूं, एंड देन व्हाट विल यू डू, तो फिर तुम क्या करोगे, यूरी आस, यूरी ने कहा, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता, इफ आई गो टू मिलान, अगर मैं मिलान जाता हूँ
आई एम अफ्रेड मुझे बहन माय फादर विल सेंड मी बैक और मुझे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे अनलेस जब तक हिज आईज ग्लीम्ड विद सडन आइडिया लेकिन चांचक उसकी आंखें एक विचार से चमक उठी यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स यूरी किसी आप फ्रेंडली डॉक्टर्स को जानती हो आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स हाँ मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स को जानती हूँ एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली और उनमें से कुछ मेरे मित्र भी हैं सैड यूरी यूरी ने कहा डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन एंड वन नहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास किसी इतने पैसे नहीं थे क्यों सपोज सैड अल्बर्ट मान लो अल्बर्ट ने कहा डेट आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन कि मुझे नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है सपोज ए डॉक्टर बोर्ड से और मान लो कि डॉक्टर ऐसा कह दे इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल कि आपको स्कूल के लिए जाना बहुत बुरी बात है स्कूल मत जाओ एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट और मुझे तुरंत इसे दूर जाने की जरूरत है सो स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो तो थैंक यू सो मच